हेलो स्टूडेंट, मैं सीएम शर्मा सीएसए क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने प्रीवियस में आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बता दिया था, जो कि आप लोग के द्वारा इतना लाइक किया गया, सपोर्ट किया गया और मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर आपके द्वारा किए गए कमेंट को पढ़ करके बहुत खुशी हुई, जिसकी वजह से मैं आगे भी वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड हूँ। वो कहते हैं ना कि पूरी धारा जो साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूँ चलने को तो लोग एक पांव पर भी चलते हैं, पर दूजा भी साथ दे तो कुछ और बात है। इसी क्वेश्चन के साथ में हम आपको अपने टॉपिक पर ले चलते हैं, जो कि है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के वे पार्ट जो मिलकर के एक समूह बनाते हैं और उन समूहों के द्वारा हम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, वह आपका कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक आपका हार्डवेयर होता है और आपका सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के बारे में हम आज पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हार्डवेयर पहले देखिए, हार्डवेयर कैसे कहते हैं। कंप्यूटर में कहते हैं ना कि वे ऑल दोज डिवाइसेस विच आर इजिली टचेबल, मतलब कि वे सारे उपकरण जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, एंड वी कैन सी इट और देख सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के वे सारे उपकरण जिनको हम आसानी से छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद में फिर आपको हार्डवेयर के में जो जो आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं, उसको देखते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम के जो स्पेशली वर्क होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जैसे हमने कहा हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में आपको पता कि आई लिखा, आई फॉर होता है कि इनपुट डिवाइस होते हैं, ओ फॉर आउटपुट डिवाइस होते हैं, एस फॉर स्टोरेज और पी फॉर प्रोसेस। अब पहला तो हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले इनपुट डिवाइस को जानने से पहले आप इनपुट जाने के इनपुट किसे कहते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि एनी इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो या रॉ मटेरियल कह लीजिए, हम अगर कंप्यूटर को वर्क करने के लिए देते हैं तो वह हमारा इनपुट करना कहलाता है। और जिस डिवाइस की मदद से देंगे, मतलब जिस उपकरण की मदद से देंगे, वह डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। कहने का मतलब कि जैसे हमने मान लिया कंप्यूटर को क्या दिया, हमने कह दिया कि कंप्यूटर को हमने दिया 2.2 दे दिया, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, और इस रॉ मटेरियल को कंप्यूटर को हमने वर्क करने के लिए दे दिया। तो किसकी माध्यम से दिया, आपका जैसे टाइप करते हैं कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड की माध्यम से आपने दिया उसको वर्क करने के लिए, और जिस डिवाइस की माध्यम से आप वर्क करने के लिए देते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो हम आज आपको बताएंगे, पहले देखिए, पहले लेक्चर में आपको इनपुट डिवाइस, देन दूसरे में आउटपुट, फिर तीसरे स्टोरेज, फिर आपका चौथा है प्रोसेस, उसके बाद में फिर आपका आएगा सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आज हम आपको स्पेशली इनपुट डिवाइस के बारे में बताएं कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, इनपुट डिवाइस का वर्क क्या है, और में कंप्यूटर्स में से कैसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम या फिर ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आते हैं इनपुट डिवाइस में। देखें, ये स्ट्रक्चर आपने ना बनाया तो उसको आप बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, मैंने बताया कि जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसमें मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस जो होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहलाता है, उसको हम कहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड 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 देखिए, कीबोर्ड आप सभी लोगों ने देखा होगा। कीबोर्ड किससे कहते हैं, तो कीबोर्ड में जैसे आप टाइप करते होंगे या कीबोर्ड सभी लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड आपका एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसकी माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई डेटा वर्क करने के लिए देते हैं। आप कीबोर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देख लिए। जैसे कीबोर्ड में नॉर्मल एक कीबोर्ड जो होता है, उस कीबोर्ड में कितने की होते हैं ये पूछे आते हैं। तो एग्ज़ाम में दो तरीके से देते हैं, कहीं 104 ऑप्शन लिखे रहते हैं, कहीं 106 लिखे रहते हैं, या दोनों ही दिए रहते हैं। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप 104 पर टिक करेंगे कि कीबोर्ड में सामान्यता जो होता है 104 की होते हैं। बट अगर दोनों, अगर 104 नहीं दिया है तो आप 106 पर टिक करेंगे
और अगर यह दोनों दिया है और इसमें आपका बोथ ऑफ एबव लिखा है या बोथ ए एंड बी लिखा है तो यह 104 और 106 ये दोनों सही रहते हैं। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो 104 ही सही होगा कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 की होते हैं। नाउ कम इससे और कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड में कई प्रकार के की होते हैं, जब 104 की हैं तो 104 की में कौन कौन से की किस में बांटे गए, तो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट की कहलाएंगे आपके, 1, 0 से 9 आपके न्यूमेरिक की कहलाएंगे, एंड आपके फिर इसमें और भी की होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से की कहलाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शन की किसे कहते हैं, क्या होता है फंक्शन की, फंक्शन की। तो देखिए कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो आपका F1 से F12 तक लिखे रहते हैं वह आपके फंक्शन की कहलाते हैं। उसके बाद में आपको पूछा जाते हैं कि रिटर्न की, रिटर्न की। तो देखिए रिटर्न की एक दूसरी उसी का दूसरा नाम है जिसको कहते हैं इंटर की, इंटर की। फिर पूछेंगे आपसे इसे कहते हैं कि टॉगल की, टॉगल की। आपका कंप्यूटर में के कीबोर्ड पर राइट हैंड पर सबसे ऊपर छोटी छोटी तीन लाइटें जहां जलती रहती हैं तो वहां पर आपके रहते हैं कि कैप्स लॉक, कैप्स लॉक होते हैं, नम लॉक होते हैं, नम लॉक होते हैं और स्क्रॉल लॉक होते हैं, ये आपके टॉगल के कहलाते हैं। इसके बाद में फिर क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन की क्या होते हैं या कॉम्बिनेशन की को ही मॉडिफायर की कहते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब दो लोगों को जोड़कर, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब अब दो को जोड़कर करते हैं तो ऐसा कौन कौन से की होते हैं कि वो सिंगल काम नहीं करते बल्कि उसके साथ में किसी और की को भी प्रेस किए जाते हैं। तो इसमें होते हैं आपके बटन, जैसे कहते हैं कि कंट्रोल, कंट्रोल की होते हैं, आल्ट की होते हैं, तो ये आपके जैसे क्या होते हैं कॉम्बिनेशन की कहलाते हैं। और कॉम्बिनेशन की लिख देते हैं हम, कॉम्बिनेशन की, या इसी को हम कहते हैं मॉडिफायर भी की कहते हैं, मॉडिफायर की। तो आपने इसमें देखा कि कौन कौन सी की होते हैं, जैसे आपका होते हैं कॉम्बिनेशन की होते हैं या उसको मॉडिफायर की भी कहते हैं, इसमें आपके एक मतलब वो सिंगल वर्क नहीं करते, आर्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब आपके कॉम्बिनेशन के होते हैं। इसके बाद में फिर आपको रिटर्न की जो कि आपका इंटर की को होता है उसको आप रिटर्न की कहते हैं। फिर आपके कहते हैं कि जो आपका कीपैड पर न्यूमेरिक कीपैड जो होती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर जो न्यूमेरिक कीपैड होती है, ऐसे आपका कीबोर्ड होता है जैसे देखिए, और ये आपका यहाँ पर कीबोर्ड और यहाँ पर जो तीन बिंदु बने रहते हैं इसी को आपका टॉगल की कहा जाता है, ये आपकी टॉगल की कहलाती है, ये क्वेश्चन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कंप्यूटर होता है इस कंप्यूटर में जो सबसे बड़ी बटन होती है, सबसे बड़ी बटन होती है, सबसे लंबी वाली बटन, उस बटन का नाम क्या है, तो वो आपका स्पेस बार कहलाता है, उस बटन को हम स्पेस बार कहते हैं, ये कहते हैं। ये तो आपका हुआ कीबोर्ड, कीबोर्ड में एक और ध्यान रखिएगा, जैसे आपको वहाँ पर कई इनपुट डिवाइस दे देंगे, कीबोर्ड दे देंगे, माउस दे देंगे, जॉयस्टिक दे देंगे और भी पूछे पूछेंगे इसमें से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपका कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं दूसरे पर कि हमारा दूसरा कौन सा है। देखिए जो आपका दूसरा इनपुट डिवाइस है वह होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस, या यूँ कह दीजिए कि उसको हम इनपुट और पॉइंटिंग दोनों कहते हैं। आपका दूसरा होता है माउस, माउस हो गया, एक साथ में लिख देते हैं, माउस है, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक होते हैं, फिर आपका ऐसे कहते हैं लाइट पेन, लाइट पेन होते हैं, इसके बाद में आपका होते हैं माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, एक ट्रैक बॉल होते हैं। देखिए ट्रैक बॉल होते हैं, ये होते हैं। अब इस ट्रैक बॉल या इसमें कहते हैं इसमें क्या खास बात है, ये सब आपके होते हैं पॉइंटिंग, पॉइंटिंग डिवाइस, ये चारों के पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। पॉइंटिंग के साथ साथ में हम इनको इनपुट भी कहते हैं, एंड इनपुट डिवाइस। देखिए आपका जैसे मैंने बताया कि माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है और आपका क्या है ट्रैक बॉल है, ये सब आपका
पॉइंटिंग और इनपुट दोनों कहे जाते हैं, तो इनको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, कैसे होते हैं, देखिए माउस आप सभी ने देखा होगा, माउस में कितने की होते हैं, तीन की होते हैं, लेफ्ट की, राइट की और बीच की आपके स्क्रॉल की होते हैं। तो माउस को आप खाली इतना ध्यान रखना है कि माउस एक पॉइंटिंग और इनपुट, मतलब बोथ पॉइंटिंग और इनपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम किसी भी मेनू लिस्ट में जो आइटम होते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए करते हैं और इससे वर्क करना और आसान हो जाता है। माउस के बाद में आपका जॉयस्टिक, जॉयस्टिक स्पेशली गेम खेलने के लिए यह डिवाइस बनाई गई है, जॉयस्टिक के माध्यम से हम कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में गेम खेला जाता है। लाइट पेन, लाइट पेन यूज इन द प्लेस ऑफ माउस, मतलब लाइट पेन का जो यूज करते हैं वो माउस के स्थान पर भी करते हैं लाइट पेन, या एक आम इंसान, मतलब यह एक कॉस्टली होता है इसलिए सब कोई इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको मुख्यतः आपका आर्किटेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं या किसी इंजीनियर वगैरह के द्वारा यूज़ किए जाते हैं लाइट पेन जो होता है। लाइट पेन आपका माउस के स्थान पर ही यूज़ करते हैं, कहते हैं। फिर आपका ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल आपका, जैसे हम बता दें आपको कि आज के कुछ सालों बाद, जैसे 5-6 साल पहले एक मोबाइल आते थे तो मोबाइल में छोटी सी एक बॉल की तरह बना रहता था, वह बॉल चारों तरफ घूमता था, मतलब हमें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहाँ भी जाना है और बीच में ही प्रेस करना रहता है, तो वह बॉल चारों तरफ घूमता था जो मोबाइल शुरुआत में आते थे। अब कौन सा है, माइक्रोमैक्स है या कौन सा, वो ध्यान नहीं रहा कि कौन सी मोबाइल है पहले, तो उस मोबाइल में छोटी सी बटन गोल तरीके से लग रही थी बॉल की तरह, तो बॉल जो है एक प्रकार का एग्जाम्पल है ट्रैक बॉल का, ठीक है। तो ट्रैक बॉल क्या होता है, बस वो बताने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रैक बॉल उस मोबाइल के बीच में जो मेनू बटन होती वहाँ पर लगी रहती थी, वहाँ का ट्रैक बॉल का एग्जाम्पल है, ये कहते हैं। तो ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अगर इसके बाद में पूछा है कि और कौन कौन से इनपुट डिवाइस बचे हुए हैं, तो इसके बाद में भी कुछ और इनपुट डिवाइस हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए हमने बताया आपको कि ये आपका कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस जो कि आपका एक पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस दोनों है, जॉयस्टिक जिसकी माध्यम से आप कोई गेम खेलते हैं, लाइट पेन या आपका माउस के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, और ट्रैक बॉल एक बॉल की तरह होता है जिससे हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी चले जाते हैं या एकदम माउस की तरह होता है, ठीक है, यू के लिए माउस ही होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका होगा टच स्क्रीन। देखिए ऐसी कोई भी डिवाइस जो टच स्क्रीन रहती है वो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे कि हम एटीएम में जाते हैं, अगर मान लिया एटीएम के अंदर प्रवेश करते हैं, पैसा वगैरह निकालें जो भी करें, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि मॉनिटर की स्क्रीन जो रहती है वो जो मॉनिटर की स्क्रीन आपकी स्क्रीन टच रहती है कि हम गए और उसको स्क्रीन टच करते हैं, जैसे हमने मॉनिटर कह दिया। अब मॉनिटर को स्क्रीन को आप टच करते हैं तो वो स्क्रीन टच है या टच स्क्रीन है, तो वह आपका जो भी स्क्रीन टच होता है वह सारा आपका इनपुट कहलाएगा। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को ही क्या कहते हैं, स्क्रीन टच कहते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन भी, मोबाइल का जो स्क्रीन टच जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा इनपुट में आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि आपका टच स्क्रीन जितने भी हैं वो सारे इनपुट डिवाइस में हो जाएंगे। इसके बाद में आते हैं, फिर आएगा आपका एक MICR। MICR का जो पूरा नाम होता है वह होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, आपका MICR। देखिए MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। इसका यूज बैंक में चेक जो होता है उस चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। वैसे तो यूज बहुत होते हैं, लेकिन आपके जो मेरा ध्यान है जो पूरा वो कॉम्पिटिशन और आपके TCS एग्जाम वगैरह उन सब पर पूरा ध्यान है कि उसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उससे इतना पूछा था कि MICR क्या है, MICR एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ बैंक में करते हैं, बैंक में किस लिए करते हैं, तो चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए MICR का यूज़ किए जाते हैं। MICR के बाद में आते हैं BCR। देखिए MICR के बाद में आएगा आपका BCR। देखिए BCR बारकोड रीडर, मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम बारकोड को पढ़ा जाता है। अब कहते हैं बारकोड क्या होता है, तो बारकोड के लिए हम आपको बता दें, जैसे एक मिनट देखिए, ये जैसे एक बुक है,
दिखाई दिया रो, तो इस बुक पर छोटी सी लाइन रहती है जिसे हम कहते हैं बारकोड। एक मिनट बता दें, देखिए छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं, लाइनें होती, इस लाइन को हम कहते हैं बारकोड कहते हैं। और इस बारकोड को जिस डिवाइस की माध्यम से पढ़ा जाता है वह होता है बारकोड रीडर होता है। तो कहने का मतलब बारकोड रीडर किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, बारकोड रीडर जो होता है किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आया कि बारकोड क्या होता है, बारकोड आपका एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आता है, या बारकोड पर जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है बारकोड पर, उस बारकोड को आइडेंटिफाई किया जाता है कि यह प्रोडक्ट कैसा है। देन बारकोड आपका एक प्रकार से लाइट वगैरह, जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जो शॉपिंग करने गए होंगे तो आपका एक जैसे लाइट जलाते हैं तो रेड कलर का लाइट इस पर जलाते हैं और उस लाइट के माध्यम से इस बारकोड को रीड कर लिया जाता है और जो इसके जो भी डिजिटल डेटा होते हैं वह कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो यह होता है आपका बारकोड होता है और इसको पढ़ने वाला डिवाइस बारकोड रीडर कहलाएगा। इसके बाद में आते हैं फिर आपका कैमरा। देखिए कैमरा, आप चाहे डिजिटल कैमरा हो या वेब कैमरा हो या कोई भी कैमरा हो, जितने भी कैमरा है वह सारा आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा, यह आपका कैमरा हो जाते हैं। कैमरे के बाद में फिर आपका आएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो कि आपका जैसे माइक होता है तो माइक में हम बोलते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। माइक्रोफोन जैसे माइक में बोलते हैं तो आपका इनपुट डिवाइस में हो जाएंगे। और फिर उसका आवाज़ जिससे सुनाई देते हैं स्पीकर, तो स्पीकर अगर हम बाद में बताएंगे कि आउटपुट में आते हैं कैसे क्या होते हैं, तो आप इनपुट पर ध्यान देंगे, तो माइक्रोफोन क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अब इससे जुड़े हुए कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं जो कि क्या कहते हैं, देखिए क्या क्या क्वेश्चन और भी आ जाते हैं जो कि आपका इनपुट डिवाइस से रिलेटेड हैं। पहला, मैंने आपको जैसे बताया कि आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हुआ कितने डिवाइस हो गए, कीबोर्ड आपके हुए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, फिर आपके होता है ट्रैक बॉल, फिर टच स्क्रीन, MICR, BCR, कैमरा और माइक्रोफोन, ये सारे आपके कितने हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। इनपुट डिवाइस इनके होने के बाद फिर इनपुट डिवाइस से और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे। जैसे एक पूछा था कर्सर, जब कर्सर, देखिए कर्सर आपका एक, जब आप मॉनिटर के डिस्प्ले ऑन करते हैं तो मॉनिटर के डिस्प्ले ऑन करने के बाद में कर्सर आपका जहां पर रहता है वो हमें शो करता है कि यहां से कार्य करना शुरू करना है, ठीक है, यह कर्सर होता है। तो कर्सर जो होता है, जो तीर की तरह जैसे माउस से हम रिप्लेस करते हैं, तो आपका आता है कर्सर, ये तीर की तरह निशान बना रहता है, कर्सर होता है। और एक और कहते हैं कि इसे कहते हैं ब्लिंकिंग, BLINKING, ब्लिंकिंग, कि ब्लिंकिंग किसे कहते हैं। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब मॉनिटर पर आपका क्या कहते हैं कि यहाँ पर कर्सर रहता है जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, तो कर्सर का आना जाना आता जाता रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो जो कर्सर आना जाना लगा रहता है, एक बार शो होता है, एक बार हाइड हो जाता है, तो उस कर्सर का शो और हाइड होना ही ब्लिंकिंग करना कहलाता है, ये कहते हैं। तो आपने देखा कि ब्लिंकिंग किसे कहते हैं और फिर कर्सर किसे कहते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद में शुरुआत में मैंने बताया कि आपका जो कीबोर्ड है और बाकी इनपुट डिवाइस है इनमें अंतर क्या है, क्योंकि कीबोर्ड आपका स्टैंडर्ड है और बाकी आपका स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। तो जैसे आपका एग्जाम में आ जाए चार क्वेश्चन आ जाए या एक क्वेश्चन आ जाए जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में लिखा रहे, देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ जाएंगे, थोड़ा फंसाने के लिए कर देते हैं। जैसे लिख दिया कीबोर्ड BU, कीबोर्ड, माउस, कैमरा और कर देते हैं जॉयस्टिक कर देते हैं। देखिए ये चार क्वेश्चन आ गए, वैसे मैंने तो आपको बताया कि ये चारों क्या है, इनपुट डिवाइस है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आए विच इज ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, मतलब कि इसमें से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपका स्टैंडर्ड में इनपुट डिवाइस जो स्टैंडर्ड है उसको बताना है, तो आपका कौन सा है, कीबोर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो स्पेशली जो इनपुट डिवाइस है आप उनका नाम याद रख लीजिए, ठीक है, कि कितने इनपुट डिवाइस हैं और कौन से इनपुट डिवाइस का इस कॉमन सा क्या वर्क है वो याद कर लेंगे।
तो यह तो आपका इनपुट डिवाइस, जो कि आज का लेक्चर हुआ, बहुत ही छोटा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे, और जो भी आपका छोटा हुआ टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको जनरेशन में बताया था, तो वहाँ पर कुछ टॉपिक जैसे छोटे हुए थे, मैंने बताया जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब सॉफ्टवेयर था, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में यूज़ किया थे, उसको मैंने वहाँ पर ना बता करके, जब ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ाएंगे या सॉफ्टवेयर का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको उसके बारे में हम बताएंगे। तो जिस भी लेक्चर में अगर हमारा कोई टॉपिक छूट जाता है, तो उसको मुझे ध्यान रहता है कि कौन सा किस में छूटा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको इनपुट डिवाइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहाँ से आकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मेरे आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।